एक गीत आया, कौन सा गीत आया? बाजा बाजी की ना बाजी। अरे तड़ते ये बाजा बाजी, ये बाजा बाजी पे पैसा आ रहा है इनको। ये बाजा और ये अनिल भैया की ओर से 51 रुपए हमारे शिवम भैया के लिए हैं। वो भैया अब देखिए एकदम से मैं प्रश्न तैयार नहीं कर सकती, यहाँ खड़ी हुई हूँ। आपको पहले बताना चाहिए था, अब आप केवल गेम सुनिए और आनंद लीजिए। किक्कड़ बल्लेबाज चल जवानी कमर लगने लागी, अरे राजा जी बाजा बाजी की बाजी, बाजा बाजी कदा बारे, बाजा बाजी कदा बारे, अरे बाजी हो बाजी देखिए कैसन बाजी, कैसन बाजी। अरे बाबा जी की ओर से कृष्ण पुताए हार्दिक धन्यवाद है कि एक बार संग्राम में अरे बड़ी समस्या भारी, यौवन में भरपूर सुश्री बन गए कृष्ण मुरारी, जब सुंदर नारी बन गए कृष्ण मुरारी तो देखिए होता क्या है। एक बार ऐसी नौबत आन पड़ी कि नारी बनना पड़ा। कन्हैया तो हमारा भूरो भार है, अब लाला को तो जई पता ना, मुझे कब कहा बन जावे कछु ना मालूम करे, बदारी के की नियत कब की तुमको सटक जाए कछु मालूम ना पड़े। अब देखो कैसे कैसे कांड कर रहे हैं कि महाभारत की घटना में तो सुंदर सुगण नारी, अरे वो नारी बने सुंदर सुगण नारी, सुंदर सुगण नारी बने सुंदर सुगण नारी। आप तो गा दिए मेरा मेरा सोने चले गए थे क्या? पब्लिक को जगा के खुद नींद मार रहे थे। देखो तो सही सही। अब सुनिएगा, दुल्हन कैसी बनी वो कि हाथों में कंकन बांधे दुल्हन एक रात की, अरे
से सब दुल्हन बनाया कि हाथों में कंगन बांधा, शादी हो रही है। देखो नहीं, नारी बने तो बने। और ये हमारे आदरणीय जगदीश बाबा जी की ओर से 501 रुपए की प्रतिमुद्राएं हैं, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, आशीष स्वरूप भेंट है। और ये हमारे मुरारी बाबा जी की तरफ से 10 रुपए, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। नहीं श्रृंगार कर रहे हो है, ऐसी इमरजेंसी पड़ गई। और ये एक से एक रुपए की पुत्र सुखराम दादाजी की ओर से है। और ये 9 नवंबर 2019 को गुरुदेव दादी के सामने हनुमान जी के मंदिर का श्रृंगार व जवाबी कीर्तन श्रीमती कल्पना दुबे जी भिंड मध्य प्रदेश और सचदेवा सराठी कानपुर नगर हरिहर यादव राम अमृत त्रिवेदी मंदिर कमेटी गुरु पैलेस इनके कदमों से 51 रुपए की मुद्राएं प्राप्त हुई है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और 20 रुपए की हमारे शिवम सत्यम शिवम जय जय, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, लगाओ बेटा टिक्की लगाओ। और ये शिवम भैया ये और आ रहा है, आओ बेटा आओ बेटा, तुम्हारी अकल डाल भैया रावत वाले की ओर से, आप सुनिए लक्की सुनिए, तुम्हारी अकल डाल नहीं निकली है अभी, हाथों में कंगन बांधे कि हाथों में कंगन बांधे दुल्हन एक रात की, एक रात की दुल्हन एक रात। और वृद्ध बाबा की बेचारी वृद्ध ने कैसे विधवा भी हो गए, एक रात का दुल्हन भी बन गए, सुहागन भी बन गए, आवागमन भी बन गई। तो पालक बिन करुणा पे मेर दिल खाई बेचारी, तो पोकर धारी बन सुंदर सुंदर किया है आप लोगों को कुछ देने का, अगर आप तक पहुंच गया हो तो केवल तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा अपने सही समय के अंतर्गत। करुणा जी आज आपके गीतों को जो ये जनता सुन रही है अगले बरस तक याद रखेंगे। बस दादा आपका यही आशीर्वाद तो मुझे चाहिए, जितने अच्छे गीत आप देंगे ये आज ग्रहण करेंगे और ये साल भर के लिए याद रखेंगे। हाँ एक आध गीत भी याद रख लेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और एक चीज और है, एक सूचना, आज ये जनता ये निर्णय करके जाएगी कि कौन जीता और कौन हारा, ये जनता के ऊपर रहेगा। और जो रात भर सुन रहे हैं और जो गीतों को सुनेंगे वो आज निर्णय करके जाएंगे कि इन दोनों पार्टियों में कौन श्रेष्ठ है, कौन विजेता है। ये हमारा जनता से अनुरोध है कि आज अपना मूल तो मैं यहाँ दें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें आज की जवाबी, विशेष है क्योंकि एक हादेश से है और एक भिंड से, एक हाथ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से है और ये दोनों कलाकार आए हुए हैं। और 4000 का जो इनाम है ये जनता फैसला करके जाएगी, 4000 रुपए का इनाम,
शील्ड वगैरह दी जाएगी जो विजेता हो, ये जनता विजेता करेगी। दादाजी इसी दरमियान क्या बोलते की मुद्राएं आदरणीय बबलू सब्जी वालों की तरफ से जीटी रोड हेलो हेलो धानपुर है, थानपुर है, इनकी तरफ से प्राप्त हुए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बढ़िया कार्यक्रम सुन रहे थे, बहुत अच्छा। और श्री राम भैया सही गाई, आज का कार्यक्रम भूलेंगे थोड़ी। जगदीश भाई ना करें तो सब हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी सुनना। सुनिए, बंद करो, पहले सही करो, इसको सही कर दीजिए। चाटी पहले बना, चाटी वाले माइक पे भैया। और बढ़ा दीजिए। दरोगा जी, दरोगा जी चोरी हो गई। छाओ जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी में हूँ, नंगे पांव जा रहा हूँ। पीपल की लेने छाओ जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी में हूँ, नंगे पांव जा रहा हूँ। ये गाड़ी ये बंगला ये पैसा तुमको मुबारक हो, ये गाड़ी ये बंगला ये पैसा तुमको मुबारक हो। माँ अकेली है मैं गाँव जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, खुश रहो बेटा, खुश रहो। वाह भाई भाई, आइए जवाब सुन ले। बाकी इतनी बातें हो रही, मैं रात भर से टाल रही हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं बातों के जवाब देती तो कितनी बातें होती। फिर तो बातें ही बातें होती। चलिए पप्पू भाई के बतासे नहीं चलेंगे जितने बातों के बतासे चल रहे हैं। ना पता कहाँ की नारी कहाँ की धनवारी, और लगे फिरे लोग। अब श्री राम भैया तो भूलेंगे नहीं, हम भी नहीं भूलेंगे। और क्या, श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए सुनेगा एक सुने। क्योंकि तड़पेला तोरी असली नाउ तो तुम्हें हो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्या
बात है, हम लोग क्या गाली दे रहे हैं किसी का करो राजा भैया। अरे ऐसा बोलो जो अच्छा लगे राजा भैया। अगर हम अब भाई ना होते हमारे तो हमारे बड़े भाई जो है ना ये मुरारीलाल बाबा घाट राजा बाजी बज गया ना। हाँ हाँ बजेगा धन्यवाद राजा भैया। सभी लोगों से निवेदन है सुनिएगा हैं। एक सूचना है कि 20 फरवरी को विशाल जवाबी कीर्तन होने जा रहा है 10:408 खलासी लाइन सब्जी मंडी कानपुर। आयोजक हमारे बड़े भैया राजकिशोर भैया जी राजा जल कल विभाग नगर निगम कानपुर और पार्टियां जिसमें हैं दादा माता दीन विश्वकर्मा जी मध्य प्रदेश और क्रांति माला जी कानपुर। आप लोग अवश्य कार्यक्रम को सुनने जाइए। ढेर सारे धन्यवाद है राजा भैया की तरफ से 51 पद मुद्राएं प्रदान हुई है नमन है क्योंकि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं कभी कभी जगदीश भैया कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं ये कैचियां क्या मुझको काटेंगी ये कैचियां क्या मुझको रोकेंगी हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आइए आइए भैया आइए आइए आपका इंतजार था। अरे वाह एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे जगदीश बाबा के लिए 501 पद मुद्राएं आपने प्रदान की हैं। और क्या ये राम लखन की जोड़ी है सक्रेडी टमाटर वाले भैया और जगदीश बाबा ये लक्ष्मण रहे ना और राम रहे और क्या जगदीश वो रहे लखन ये रहे किस लखन की बात कर रही हो 101 मुद्राएं नमन कर रही हूँ धन्यवाद कठी साया है वो गिरधारी बने सुंदर सुघर नारी अब एक बार गिरधारी नारी बन गए उनके मित्र हैं कौन अर्जुन वाह अर्जुन पप्पू भैया पप्पू भैया बतासे वाले 51 पद मुद्राएं पप्पू भैया नमन कर रही हूँ और ये पंडित जी मेरे मरने के बाद भैया पंडित को मारने में लगे हो और क्या न्यू फाइल टेंट हाउस अनिल कुमार भैया पायल भैया भवानी शंकर पांडे जी ये आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं नमन कर रही हूँ। एक बार वही अर्जुन गिरधारी भैया जी गिरधारी के मित्र हैं अर्जुन एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गए वो श्रावी सरोवर है कि जो भी इसमें स्नान करेगा वो नर से नारी बन जाएगा। सुनिएगा सुनिए कन्हैया के साथ अर्जुन गए कन्हैया में स्नान कर लो कन्हैया ने कहा मित्र कर लो
मित्र स्नान करो सरोवर में, जो सर से ओवर हो उसको सरोवर कहते हैं। अरे सोच रहे हैं मन में वदन मुरारी, बात है मुकेश, चारों तरफ से इनाम आ रहा है बेटा। जहां में फिरे हमने क्या क्या न देखा, जहां में फिरे हमने क्या क्या न देखा, मगर आज तक ढोलक वाला ऐसा न देखा। सोच रहे अलग होने वाला है, और जैसे उस सरोवर में स्नान करने गए तो अरे अर्जुन की तो पलक गई माया ही सारी, अरे अर्जुन की तो पलक गई माया ही सारी, क्योंकि बाहर निकले तो देखा क्या, अरे वो धनुधारी बन गए तो पहुंच गए हम, नहीं तो क्या मतलब है। अभी बढ़िया जवाब सुन रहे थे कुतरिया, कुतरिया महाभारत के वो पहुंचे कुतरिया।